वर्मा और आप देख रहे हैं क्वाइट इनोवेटिव मील्स। आज हम बनाने जा रहे हैं इंटरनेट की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी जो कि एक पराठे की है। इसमें हमें आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने जा रहे हैं लिक्विड मसाला गार्लिक पराठा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपने ये लिक्विड गार्लिक मसाला पराठा। तो इन पराठों को बनाने के लिए मैंने एक बाउल में एक कप आटा ले लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो ये धनिया पाउडर है, ये भुने हुए सौंफ का पाउडर है, उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे और ये कुछ लहसुन की कलियों को मैंने ग्रेट कर लिया है वो डालेंगे, फिर धनिया डालेंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमने एक कप आटे का यूज़ किया है तो लगभग डेढ़ कप पानी इसमें चला जाएगा, फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपका बैटर किस हिसाब से बन रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने प्लेट से ढक दिया है, अब इसको रखेंगे साइड और थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आप देखिए ये 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा तो ये कुछ इस तरह हो गया, तो मैंने हल्का सा पेट और लिया है। अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो एक तवे को मैंने गरमा लिया है और इसमें कोई भी ऑयल या बटर का यूज़ नहीं किया है। जैसे हम डालते हैं चीला वगैरह वैसे ही तवे पे डाल देंगे इसको, और ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, बिल्कुल हल्का ही सा फैलाएंगे। तो देखिए हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया है, कलर चेंज हो रहा है। तो बस थोड़ी देर रुक के और इसको हम दूसरी साइड से भी पलटा देंगे। तो आँच को कर लिया है मैंने मीडियम। तो देखिए बहुत ही अच्छा ड्राई हो रहा है। तो देखिए ये हो गया है। चलिए इसको पलटाते हैं दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए मैंने धीमे से इसे निकाला। आप इसमें नॉनस्टिक तवे का ही यूज़ कीजिएगा, तवा या पैन हो आपके पास जो भी उसी का यूज़ कीजिएगा। तो देखिए मैंने पलटा दिया है, दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। तो ये नॉर्मली पराठों से कुछ ज़्यादा समय ले लेता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है नॉर्मल पराठा बनाएं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी पलट लिया है। अब हमें इसे दबा दबा के सेकना है। तो जैसे इसे दबाएंगे वैसे वैसे ये अंदर तक पक जाएगा, और जब ये अंदर से पक जाएगा तो इसके अंदर जो भाप है उससे ये पराठा फूल जाएगा। तो जब तक अंदर से ये पकेगा नहीं तब तक ये पराठा फूलेगा नहीं। तो देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा फूलना शुरू हो गया है। तो अभी इसमें टाइम थोड़ा सा और लगेगा। तो इतनी देर में तो हम लोग नॉर्मल पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हल्का हल्का सा फूल रहा है, बस इसी तरीके से हम इसे दबा दबा के सेकते रहेंगे। तो ये विदाउट ऑयल वाला पराठा है जो कि इंटरनेट पे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इस समय। तो देखिए ये भी फूल रहा है। वैसे बगैर ऑयल या घी के पराठे तो होते ही नहीं है, इसको तो हम लोग रोटी ही कहेंगे कि बगैर घी तेल के तो रोटी ही बनती है, तो ये रोटी ही हो सकती है। तो देखिए ये फूल चुकी है, बहुत ही अच्छी फूल गई है। अब हम इसको हल्का सा और सेक लेंगे, क्योंकि जब तक इसमें चित्तियाँ अच्छे से ना पड़ जाए तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो बस गैस को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है और ये देखिए बढ़िया सी फूल चुकी है। अब चलिए दूसरा हम अपना बटर वाला पराठा सेक लेते हैं। तो ये देखिए मैंने उसी तरीके से डाल दिया था, अब इसको भी हम अच्छे से दबाएंगे। तो देखिए अच्छे से दबा दबा के हम दोनों साइड से सेकेंगे। तो जब तक ऊपर की लेयर और अंदर तक नहीं पकेगा तब तक इसमें भाप नहीं बनेगी, और भाप नहीं बनेगी तो पराठा फूलेगा नहीं। तो अभी हमने इस पे लगा दिया है बटर। आप बटर, घी, ऑयल जो भी लगाना चाहें। तो देखिए पराठा गया है बहुत ही अच्छा सा फूल। ये देखिए कितना अच्छा सा फूल गया है। तो इस पे जब तक चित्तियाँ नहीं तब तक नहीं फूला, अब ये चित्तियाँ आ गई हैं। तो ये देखिए पराठा बहुत ही अच्छा फूल गया है। तो चलिए इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट में रख लिया है। मैंने रखा है दही, आलू की सब्ज़ी और अचार। इसी के साथ खाने में पराठों का मज़ा आता है, और पराठों के साथ बटर हो तो और भी मज़ा आता है।